ये है 2019 की शेवरलेट कमारो। ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है इसका फेस का। पुराना डिज़ाइन जिसका जो अभी तक चलता आ रहा था, जो मुझे पसंद है बहुत, वो ये है। यहाँ पे बाहर इतफाक से खड़ी है करीबी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ऐसी होती थी ये तो खैर इसका स्पोर्ट मॉडल है ZL1, तो ये तो एक रेगुलर SS मॉडल है। और ये है तकरीबन 2000, नहीं सॉरी 2,40,000 दरम का। इसमें जो इंजन है वो है 6,200 CC का इंजन, ठीक है। कीमत ये लिखी हुई है, प्लस ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कलर्स हैं, ये सब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के हवाले से। तो गाड़ी की जहाँ तक बात आती है तो वो सही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई नया डिज़ाइन इसका। और बाकी बॉडी तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ्रंट उन्होंने हल्का सा चेंज कर दिया इसका। इंटीरियर हाँ वही सेम है, बिल्कुल सेम सेम, कोई चेंजेस नहीं है इंटीरियर में। तो ये बेसिकली नया मॉडल नहीं है, ये बस एक फेस लिफ्ट है, यानी सिर्फ फ्रंट हल्का सा चेंज करके निकाल नया मॉडल दे के इसको निकाला है। ये करते हैं ऐसी कंपनीज। तो अच्छा इंटीरियर्स का काफ़ी सेम है, मगर फिर भी सीटें बहुत अच्छी हैं इसकी, कंफर्टेबल है। मैं अभी कॉर्वेट ZR1 में भी है यहाँ पे, उसमें भी बैठा हूँ, तो वो उसकी सीट सारे स्पोर्ट्स सीट्स थी, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। यहाँ पे स्टीयरिंग पे बहुत सारे बटन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ गियर चेंज करने के लिए पैडल है, कम करने के लिए प्लस यानी बढ़ाने के लिए डायल्स भी हैं, स्पीडोमीटर, RPM, और ये डिजिटल स्क्रीन भी है इसमें। यहाँ पे भी कंप्यूटर स्क्रीन दी हुई है, इसके नीचे यहाँ पे बटन्स भी हैं, सीट सीट की हीटिंग के हिसाब से ये कंप्यूटर स्क्रीन के अपने बटन्स हैं, शायद ऑन हो जाए, हाँ ऑन हो गई। टच स्क्रीन आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसके हिसाब से इसको टच कर सकते हैं। ये नेविगेशन भी ऑन हो गया, अच्छा यहाँ जहाँ मैं अभी लोकेशंस की। तो एसी ग्रिल यहाँ नीचे दी हुई हैं, अच्छी बड़ी बड़ी ग्रिल्स हैं भले नीचे दी हुई हैं। और ये इसका गियर लेवर है, यहाँ कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे ये पार्किंग ब्रेक है इसका। अब मुझे पार्किंग इसी से लगती है, ये हैंडल जो खींचने वाले थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का भी बटन है आई बिलीव, और ये है अच्छा लाइटर का बटन है। तो बताएं मुझे कैसे लगी आपको, पीछे से मैं दिखाया था मैंने पीछे से, तो पीछे से बस हेडलाइट्स थोड़ी सी चेंज की हैं, बस नया डिज़ाइन है बस, और कुछ नहीं है। नहीं मॉडल वही है, शेप वही है, सिर्फ फ्रंट इसका चेंज कर दिया है। लग रहा है ऐसे अगर कि मुँह उखड़ गया इसका,